सिंपल मेरी मैसेज है उनसे दैट यू आर वेरी क्लोज़ टू माई हार्ट एवरी पर्सन चाहे वो इस कॉन्स्िचुएंसी में हो चाहे वो बाहर से मेरे पोस्ट देखते हैं या आजकल बहुत सारे कुछ युवा सेल्फी उठाने आते हैं फोटो फोटो उठाने आते हैं दिस गिव्स मी डेफिनेटली अ अटिसफेक्शन दैट यस व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी फ्रॉम माय पार्टी फ्रॉम माय एमएलए फ्रॉम माय टीम आई थिंक आई हैव जस्ट सक्सेसड इन टू दैट डिलीवर ऑन इट ग्राउंड तो मेरा उन सारे उन मुझे अभी भी उनके नाम याद हैं मुझे उनकी शक्लें याद हैं मैं उन सब को बहुत ही आई ह्यूज रेस्पेक्ट लव एंड एडम्रेशन फ्रॉम एवरी वन ऑफ दैट पर्टिकुलर जो हमारे पास जो नौजवान मेरे पास आते थे ज्यूरिंग द कैम्पेनिंग जो मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर लिहाज से ट्वेंटी फोर इंटू सेवन हमारे साथ लड़के थे मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि द गारंटी इज़ दैट जिस चीज़ के लिए आप निकले जिस बदलाव के लिए आप निकले जिस रोज़गार के लिए आप निकले जिस ब बद... जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वी विल ट्राई अवर बेस्ट वी विल वर्क ट्वेंटी फोर इंटू सेवन फार यू पीपल यू जस्ट स्टे हैप्पी बी काम कूल एंड एवरी थिंग विल बी डन इनशालामान आप खुश रहें आप uh, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड इनशा रमन आपकी एक्सपेक्टेशन पर हम इनशा खरा उतरेंगे ज़रूर आज तो करीबन सत्ताईस हज़ार के आसपास से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता अगले पाँच साल के बाद जो इलेक्शन होगा उसमें क्या नजरें नज़रेंगी मुझे लगता है कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि हम सिर्फ फिफ्टी परसेंट ही कैंपेनिंग उस दिन करेंगे इनशा हम इतनी मेहनत करेंगे बिकॉज वी हैव अ मिशन टू वर्क फॉर ऑल पीपल हु हैव वोटेड अस पीपल हु हैव नॉट वोटेड वी विल वर्क फॉर नाइनटी टू थाउजेंड पीपल वोटर्स इन गुलमर्ग कॉन्स्टुन्सी एक इम्पॉटेंट बात रहेगी जिन लोगों ने इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपोजिट में वोट डालें उनके लिए कोई मैसेज ऑल आर इम्पोर्टेंट सब इम्पोर्टेंट हमारे लिए मैसेज क्या है वो फैमिली मेंबर है हमारी कॉन्स्टिचुनसी के फैमिली मेंबर है दो हज़ार चौबीस के असेंबली इंतखाबात और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी जीत बाईस साल लगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस ख़्वाब को शर्मंदाही ताबीर करने में आखिरकार इस साल यहाँ के नौजवानों की मदद से यूथ के इन्वालमेंट से वो ख़्वाब शर्मंदाहीबीर हुआ आज इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नॉर्थ वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल नबी डार साहब और गुलमर्ग कॉन्स्टिटेंसी के हवाले से जब हम बात करेंगे तो इकबाल नबी डार साहब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कंपेंदर के तौर पर इस साल मैदान में उतरे थे और बाबित तौर पर जो एक्सपेक्टेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूथ के ऊपर रखी थी वो सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई तभी बाईस साल के बाद जो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ लगी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर गुलमर्ग कॉन्फ्रेंस में अपना झंडा गाड़ने में कामयाब हुआ है तो कहीं ना कहीं इनमें एक अहम रोल रहा इन यूथ

इसकी इसका जो क्रेडिट है ओब्वियसली टीम वर्क को ही जाता है पहले तो हमारे लीडर फारूक अहमद शाह साहब जिन्होंने एक कम्पैक्ट uh, टीम बनाई एक एनर्जेटिक टीम बनाई और उसके साथ साथ फिर हमारे जो ब्लॉक uh, प्रेजिडेंट साहिबान हैं हमारे हल्का प्रेजिडेंट साहिबान हैं वर्कर्स हैं उसके साथ यूथ ने एक अहम रोल अदा किया यूथ हैज़ ड गिवन अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इन्वालमेंट उनकी हुई इसमें और साथ ही साथ बड़े एनर्जेटिक थे और वो चाहते थे कि बदलाव का नारा हमने दिया था और उस पर उन्होंने आ, रिपोजिशन दिखाई दे रिपोज ए ट्रस्ट ऑन अस एंड डेफिनेटली उसे एक चीज़ आ, हुई कि जो मिशन था जो विजन था हमारा और फारूक अहमद शाह साहब का ओबियस उस पर एक ट्रस्ट दिखा के यूथ ने यहाँ के पूरी आवाम ने जो पिछले इतने बीस पच्चीस सालों से तंग आ चुकी थी जो इनकम्पन्ट सरकार थी चाहे वो यहाँ के सरकर्दा एम एल ए हो चाहे वो सरकरदा यहाँ के डी डी सी साहिबान हो तो उनसे तंग बिकॉज दे हैव नॉट डिलीवर टू दैट एक्सटेंट जहाँ पे एक्सपेक्टेशन हमारी आवाम की थी तो साथ ही साथ उसको इरेडिकेट करने के लिए एक साइलेंट वोट एक वालहाना जज्बे के साथ ओपनली कुछ बहुत सारे लोग आए कुछ लोगों ने साइलेंट वोट दिया और फारूक अहमद शाह साहब को असम्बली भेजने में हम सब कामयाब हुए पहले तो लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हम उन नौजवानों का जो ट्वेंटी फ़ोर इंटू सेवन हमारे साथ रहे बसा कंपनी के दौरान आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था तब तो रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं थी आपने कहा था कि बाईस साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का जन्डा यहाँ पर लहराएगा गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में और बिल्कुल वैसा ही हुआ हाँ ये बात सच है बट उसमें यह चीज़ है कि यह नारा हमने कंटिन्यू दिया था मैंने कंटिन्यू दिया था कि 12 साल के बाद बाईस साल, साल के बाद हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का जंडा इनशाला लहराएंगे और इस साल लोगों ने तहिया किया है कि फारुक अहमद शाह साहब को असम्बली भेजना है एंड इट व इट इट हैज़ जस्ट स्प्रेड वाइडली अक्रॉस कॉन्स्टिट्यूंसी वो इस वजह से देखा था मैंने बिकॉज यूथ वर पार्टिसिपेटिंग लाइक एनी थिंग विद अस यूथ कंसिस्टेंटली जुड़ रहा था हमारे साथ और जो हमारे ब्लॉक प्रेजिडेंट साहिबान हो हल्का प्रेजिडेंट साहिबान हो दह प्रेजिडेंट वर्कर्स जो हमारे हैं दे वर वर्किंग विद फुल एनर्जी पॉजिटिविटी अक्रॉस थी कोई नेगेटिव बात नहीं आ रही थी जब भी हम चाहे कोई भी मीटिंग हो चाहे हम लोक अपने लेवल पे मीटिंग करते थे चाहे ब्लॉक प्रेजेंट लेवल की मीटिंग करते चाहे हम वर्कर्स की मीटिंग चाहे हम यूथ की मीटिंग करते थे जब भी कोई भी मीटिंग होती जो भी हमारे साथ था देर एब्सोल्यूटली पॉजिटिव कोई नेगेटिव बात नहीं आती थी हम बिल्कुल भी आ, मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव जो हमारे पास कुछ बातें आती थी कि कैंपेनिंग में वो साहिब ये वो पार्टी ये बोल रही है या ये हमने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया एंड एट दैट टाइम आई थिंक इट वॉज वारीपोरा दिवान में हम मैंने ये बात की थी कि इंटरव्यू भी दिया था उस टाइम कि बाईस साल के बाद हम झंडा लहराएंगे इनशालामाना लोगों ने तहिया किया है फारूक अहमद शाह साहब को असम्बली भेजना है और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाएगी और टंग मरग की हिस्सादारी होगी

वर्कर साहिबान थे ब्लॉक प्रेजेंट सा बहुत पॉजिटिव थे एक अहम बात हमने नोट्स की इस हवाले से कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल इब्त्या से बिल्कुल लगातार इब्त्याा से ही बिल्कुल स्ट्रॉग रही आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कहीं भी डाउन नहीं वरना जिस दिन काउंटिंग का दिन जो होता है उस दिन हर एक की धड़कनें तेज़ होती है लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पर भी थी आप मुतमिन थे कि क्यों ऐसा क्या था मैं बताऊँगा मुतमिन क्यों थे पहले तो जो जिस तरह से फारुक अहमद शाह साहब ने टीम को लेड किया विदाउट सीरियसली uh, बता रहा हूँ मैं विदाउट फ्लैटरिंग या ज़्यादा कभी बोलते हैं बट ही हैज़ लेट हिज टीम एब्सल्यूटली फाइन किसी जगह कोई इंटरफरेंस नहीं थी किसी जगह कोई रोक टोक नहीं थी सिंपल उनको पता था कि किस को क्या काम दिया जाए और कौन किस काम में एक्सपर्ट है दैट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग वाट और लीडर हैज़ डन हाँ कॉन्फिडेंस लेवल पहले से पता था कि इतने uh, लोगों ने इतना वाल तरीके से सपोर्ट किया है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पहले से ही बहुत अच्छी थी एंड वी आर थिंकिंग दैट वी हैव टू जस्ट गो फुल थ्रोटल इन दिस कैंपेनिंग एंड वी हैव टू वन दिस सीट एंड दैट हैज़ डेफिनेटली प्रूवड एट द एंड ऑफ द डे काउंटिंग के दिन भी हम बड़े आपने देखा होगा बहुत सारे जब फारूक अहमद शाह साहब को वहाँ पर देखा और हम भी थे तो मीडिया हाउस इस तरह से उनके पास आए जैसे उनने उसी टाइम ऐलान हुआ था उनके जीतने का लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के ही सारे बोल रहे थे कि आप इनशा राम सर आप जीतेंगे तो दैट वॉज़ डेफिनेटली उस मेहनत होती है अशरफ साहब आप जब एग्ज़ाम में पेपर देते हो यू नो योर रिजल्ट आप आपको पहले ही पता होता है कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा या पास हों या फेल हो ये आपको पहले ही पता चलता है वो उतनी मेहनत मुझे लगता है कि सब ने की थी आ, लीडर से लेके दह प्रेसिडेंट तक यूथ से लेके हल्का प्रेसिडेंट तक और हमारे जो एक्सपर्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट से उनकी वजह से ये सारा मुमकिन हो पाया इकबाल साहब इससे पहले भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में उतरती थी दो की बात करेंगे या उससे पहले भी तो पेरेंट बॉडीज़ का एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकिन कहीं ना कहीं यूथ हमें लग रहा था कि यूथ को अपनी बात समझाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे फेल हो रही थी यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट नहीं करता था यूथ उनकी बात से मुतमिन नहीं हो पा रहा था लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि यूथ ने बिल्कुल ओपनली सपोर्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को यूथ हैज़ गिवन अ रोल जो हमारे यहाँ पे जो फारुक अहमद शाह साहब थे चाहे हमारे ब्लॉक प्रेजिडेंट हाजी रजाक साहब हैं हैव डेफिनेटली गिवन अस ए चांस एंड अ रोल साथ ही साथ रोल के साथ साथ हर एक को आ, 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 उनके पोटेंशियल के हिसाब से काम दिया गया एंड देयर वाज जीरो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीवन किसी ने इंटरफेयर नहीं किया एंड वी हैव डिलीवर्ड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस एंड अलहमदिल्ला इसकी वजह uh, यह भी है कि जो यूथ हमारे साथ जुड़ा है उन्होंने देखा दैट द पीपल हु आर एग्जिस्टिंग दियर जो वहाँ पर ऑलरेडी यूथ था उनको एक रोल दिया गया पार्टी की तरफ से भी और कंसर्न uh, लीडर की तरफ से भी चाहे ब्लॉक प्रेजिडेंट साहिबान भी हो किसी ने इंटरफेयर नहीं किया वालेना इस्ते सब को किया गया था 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 कुछ एज डिफरेंस तो नहीं होती थी नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली जो यूथ अक्सर हम आजकल भी देखते हैं सुनने में भी, भी आ रहा है कि एक नौजवान एक नौजवान की ही बात से सहमत होता है नौजवान की बात समझने में उसको आसानी होती है बन के एक बुजुर्ग की बात समझने में उसको थोड़ी दिक्कतें पेश आ रही क्योंकि एज डिफरेंस होती है सोच सहम नहीं होती ऐसा आपको लगा कुछ देखो कुछ चीज़ें जब माइन्यूटली चीज़ें कुछ चीज़ों को देख देखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है बट एट द एंड ऑफ द डे जो यूथ पेरेंट बॉडी हमारी है दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड उनके पास एक तजुर्बा है और उस तजुर्बे को ट्रांसफार्म हम यूथ ने ग्राउंड पे कर दिया और उसकी वजह से ये आज मुमकिन हो पाया उसके लिए मैं आवाम का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने नौजवानों का भी वलसा कंपनी के दौरान दावे तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं क्या लग रहा है किस हद तक नेशनल कॉन्फ्रेंस या गुलमर्ग कॉन्स्टिटुंसी में किस हद तक नेशनल कॉन्फ्रेंस उन दावों पर उतर पाएगी मैं कल भी बोल चुका हूँ मैं आज भी बोलूँगा दैट वट एवर प्रॉमिस हमने किए या हमारी पार्टी ने किए वी विल डिलीवर दैट अब इसमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाने है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये दस साल के बाद असम्बली इलेक्शन हो रहे हैं और असम्बली का स्ट्रक्चर डेवलप करने में हर एक कॉन्स्टिटुंसी को टाइम लगेगा ऐसा ही नहीं कि गुलमर्ग कॉन्स्टिटुंसी को लगेगा बट अल्हमदिल्ला वी हैव वेरी एक्सपर्ट जो हमारे एम एल ए साहब हैं फारूक अहमद शाह साहब ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट ब्योक्रेट एंड ही नो हाउ टू जस्ट बिल्ड टीम हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर मुझे पूरा यकीन है कि हमें कम से कम उतना टाइम नहीं लगेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़े दावे किए गुलमर्ग कॉन्स्टिटेंसी के हवाले से इसमें प्रायोरिटी बेस पे भी कुछ इश्यूज़ है खासकर हम एजुकेशन की बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे या गुलमर्ग में जहां पर बिल्कुल पूरी कॉन्स्टुंसी हमारी इन्वॉमेंट इन्वाल्व है गुलमर्ग में वहाँ पर जो पोनी वालों को मुश्किल है या सिलेज वालों को मुश्किल है गाइडर्स को मुश्किल है जो सदियों से गेट बंद होता था पार्किंग से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती थी वो गेट भी ओपन किया गया है पे आर टी पे बैस पर किस मुद्दे को नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी टूरिज्म को एजुकेशन को हेल्थ सेक्टर को और uh, जो माइनिंग एंड जोलॉजी डिपार्टमेंट जो है मिनरल्स uh, को दीज आर द प्रायरिटी इश्यूज़ डेफिनेटली फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस एज वेल एज़ हमारे गुलमर्ग कॉन्स्टिटुंसी में जो हमारे ऑनरेबल एम उनका भी यही है दैट दीज आर द प्रायरिटी सेक्टर्स एंड वी विल डेफिनेटली डिलीवर ऑन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स वी विल डेफिनेटली डिलीवर ऑन दीज थिंग्स तो लोग उम्मीद रखे रख सकेंगे जो लोग करीबन तीन या चार सालों से लगातार गुलमर्ग में दर दर के ठोंकरे खा रहे हैं हर एक दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया ख़, लेकिन कहीं भी उनकी मुराद पूरी नहीं हुई क्या अब वो लोग उम्मीद रख सकेंगे मैं आपको अशरफ साहब एक बार फिर बताना चाहता हूँ जस्ट भी वेरी कॉन्फिडेंट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एवरी थिंग विल बी डन जो जो हमने बातें बोली हैं सब कुछ हो जाएगा इन बिकॉज जो मंशूर हमने निकाला कॉन्स्टुन्सी में जो फारूक अहमद शाह साहब के साइड से आया था मैनिफेस्टो वो पूरी तरह से डिस्कस हुआ है पूरी तरह से बात उस पर हुई है डिस्कशन के बाद वो पॉइंट्स हमने इजरा किए हैं लोगों में तो ये पॉसिबल ही नहीं है दैट 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 वो नहीं होंगे दैट विल हैपन बस टाइम थोड़ा सा लगेगा uh, तो उसके बाद सब चीज़ें मुझे मेरे हिसाब से आई एम वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट दैट डेफिनेटली दीज थिंग्स विल हैपन लोग बिल्कुल खुश रहें चीज़ें जिस चीज़ के लिए उन्होंने वोट दिया बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए दिया है एक बदलाव के लिए उन्हें दिया और दोनों चीज़ें एक तो बेसिक फैसिलिटीज़ भी होंगी और डेवलपमेंट भी होंगी साथ ही साथ बदलाव का नारा दिया बदलाव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के सपोर्ट की वजह से और साथ ही साथ जो उन्होंने बोला था दैट हमने एक नारे दिए थे वी हैव जस्ट कंसिस्टेंटली के तख्त बदल दो ताज बदल दो उनका राज अब मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूँ बट वो नारा इतना ये कंसिस्टेंटली uh, लोगों में आ गया बच्चों ने वो नारा दिया उसके बाद फीमेल्स ने नारा दिया दैट वॉज द नरेटिव बिल्ड अगेंस्ट दो पीपल हु हैव नॉट डन एनी थिंग फ्राम लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स इन टंगमर्ग तो उस राज को ख़त्म करने के लिए लोगों ने वोट दिया साइलेंटली वोट डाला आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो पिछले सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया है ग्राउंड लेवल पर देखो क्या होता है कॉमन सेंस की बात यह है कि ये जो पोस्ट है एम का जो पोस्ट है ये बेसिकली एक लीडर बनता है इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कॉन्स्टिटुएंसी एंड ही बिकम्स ए लीडर लोग इसे लीडर बनाते हैं. इससे पहले ये ऑनरेबल नहीं होते हैं लेकिन लोगों के वोट की, की वजह से ये ऑनरेबल बन जाते हैं ही इज ए लॉ मेकर ही हैज़ he has give the plan he has to make a plans he has to discuss the plans and he has to execute it on the ground plans different होते हैं आपको develop dekhiye roads बिजली आ, पानी ये चीज़ें बड़ा बेसिक नहीं नहीं। ये बेसिक नीड है ये आनी ही आनी चाहिए इसके लिए आप टैक्स भरते हो इसके लिए आप बाकी चीज़ें करते हो ये आम लोगों का बेसिक राइट है जिस तरह से आपको आ, कोई भी राइट आप ले लीजिए राइट टू तो एजुकेशन लीजिए आप राइट टू तो, इक्वलिटी <coughs> आप ले लीजिए ये हक है तो इसी तरह से हक ये भी है कि आपको फैसिलिटी हो आपको मुहैया जो आपकी बेसिक फैसिलिटी है लाइक पानी है ये चीज़ें मिलनी ही मिलनी है ये सरकार को देनी ही देनी लेकिन इसके ओवर एंड अबो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या हुआ है अब आम इंसान से भी पूछें आप ले लीजिए हॉस्टल क्या आपको लगता है दैट हैज़ बीन अपग्रेडेड फ्रॉम लास्ट थर्टी फोर्टी ईयर्स आप ले लीजिए इन्होंने दावा किया था मिनी सेक्रेट्रेट का आप मुझे बता दीजिए दो से वो क्या हुआ है आप ले लीजिए छेंदिलवानी का हॉस्पिटल बिल्डिंग पड़ी है पिछले ऑलमोस्ट चौदह पंद्रह सालों से क्या वो हुआ है आप ले लीजिए चुकर का चुकर का जो हॉस्पिटल है बनाया है नाम का है आप देख लीजिए आप देख लीजिए हायर सेकेंडरीज क्या बनी है यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कॉलेज आया कॉन्स्टुन्सी में हर एक जगह हमारे कॉलेज पे इन्होंने इतनी मैं आज बोलता हूं अगर उस कॉलेज में आप अपग्रेडेशन हम करें बताइए जमीन कहाँ है नहीं हमारे जो सरकरदा एमएलए उस टाइम पे थे इतनी पॉलिटिक्स की कि कुंजर और टंगमर्ग को डिवाइड किया उस टाइम कुंजर वालों ने भी बेचारों ने वहां पे धरने लगाए और टंगमर्ग वालों को बोला हम आपको ही देंगे लास्ट में दिया मिल्कीय ही जमीन में जो लैंड लोगों से ली आज मुझे बताए हम वहां पे चलिए मान लीजिए हम एडिशनल डिपार्टमेंट्स वहां पे लाएंगे बताइए जमीन कहाँ है हमारे पास इतनी जमीन इर्द गिर्द है ही कुड हैव डन इट एट दैट टाइम वट काइंड ऑफ डेवलपमेंट ही हैज़ आप अपना पावर ग्रिड स्टेशन ले लीजिए क्या इसकी अपग्रेडेशन हुई है अभी तक अभी तक नहीं तो क्यों नहीं हुई है कौन सा कॉलेज है एक्स्ट्रा कॉलेज है आपके पास क्या डिप्लोमा यहाँ पे होते बिजली के हवाले से बहुत मैं, मैं, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए आराम से हम सपोर्ट्स की बात करेंगे बता दीजिए सपोर्ट स्ट्रक्चर कहाँ पे यहाँ पे डेवलप हुआ क्या आपके पास इंडोर स्टेडियम है यहाँ पे हमारा टाइगान्डो करना होता है या इंडोर स्टेडियम की जो गेम्स होती हैं वो करनी पड़ती है हमें डिफरेंट जगहों पे चाहे वो बारामूला लेना पड़ता है उन बच्चों को हमें या बाकी चीज़ों पे बताइए इंडोर स्टेडियम है हमारे पास क्या कोई कन्वीनियंस है किसी भी ग्राउंड में हमारे पास बाथरूम है पानी है लाइट्स है ऐसा कुछ है तो किस चीज़ की डेवलपमेंट की बात ये कर रहे हैं इनका एक ही काम था एक तो अभी भी वो शोशा फैला रहे एक तो रूमर मोंगरिंग वो कर रहे हैं कंटिन्यूस अगेंस्ट वन पर्सन टू अनदर पर्सन उनका काम था लोगों को तजलील करना सोशल मीडिया पे उनका काम था गुंडागर्दी करना वो तो अल्लाह ने ख़त्म कर दी और लोगों ने उसमें साथ दिया गुंडागर्दी ही ख़त्म हो गई इससे ज़्यादा लोग मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं जो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस टाइम किया हम लोगों का शुक्रिया अदा कर वालिना शुक्रिया अदा करना चाहते हैं लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और कहीं बार सुनने में भी आया आम लोगों से कि गुलमरग की अब उम्र दराज होगी क्योंकि गुलमर्ग गॉडबेज़ का एक डेढ़ बन गई है तो इस सिलसिले में नेशनल कांफ्रेंस के पास कोई प्लान है कोई रोड मैप है गुलमर्ग को ग्रीन एंड क्लिन करने के हवाले से डेफिनेटली गुलमर्ग इज़ ए प्रोडक्ट एक टूरिज्म का प्रोडक्ट है जिसपे नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल के लोग आ जाते हैं इस प्रोडक्ट को हम सवारी हैं अभी तक जो अफसरशाही थी वो अब ख़त्म हो चुकी है अब जिस तरह से कल हमारे ऑनरेबल एम एल भी बोला दैट टीम में जो फिट ऑफिसर बैठेगा वही अच्छी तरह से अपना किरदार अदा कर सकता है जो नहीं बैठेगा ही माइट सिंपल सी बात है और गुलमर्ग जो है गारबेज हो या बाकी चीज़ें इस पर प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं आ, हमारे जो ऑनरेबल एम एल हैं उनकी टीम है फारूक शाह साहब आपको ये भी पता होगा सी ई गुलमर्ग भी थे एम केबल कार भी थे और साथ ही साथ वो टूरिज्म के डायरेक्टर भी थे सो so, इससे बेहतर एक्सपर्टीज किस हो सकती है इस फील्ड में मुझे नहीं लगता इस टाइम करंटली मैं बोल रहा हूँ एज एन एम एल ए कैन डू वंडर्स इफ ए सी ई कैन डू दैट काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे गुलमर्ग ग्रीन एंड क्लीन थी जहाँ पे एम डी दूसरा गंडोला जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर फारूक अहमद शाह बना है वी हैव टू जीज थिंग्स इन टू कंसिड्रेशन टूरिज्म जहाँ पे फुटफॉल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टू हंड्रेड परसेंट बढ़ा कश्मीर में तो द्रेड गोज टू द डायरेक्टर एट दैट टाइम क्योंकि ही हैज़ डन अ ट्रमेंडस रोल इन दैट सो आज आपके एम एल ए वही है जो एक्सपर्ट है आज आपके एम एल ए वो दो हजार चौदह में जो जनाब थे तो आपको इट इज़ अर्थ पोल एंड साउथ पोल तो ओवरऑल देख लेंगे ये चीज़ें सारी हो जाएंगी बट एक ही चीज़ करना है पब्लिक है चुपैया बेट पेशेंट थोड़ा सा इन ये स्ट्रक्चर ठीक करने में हाँ हालांकि हमने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है जहाँ पे गांव की जो गांव के साथ उनके बड़े बड़े जो हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होते हैं या यूथ हैं बाकी हैं उनसे बात किया हमने कि यू हैव टू डू दा, साहब दावे तो बहुत बड़े हैं चाहे हम इस बार पहली बार हमें देखने को मिला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दो मंशूर आए एक तो पार्टी लेवल पे दूसरा गुलमरग कॉन्स्टूंसी के लिए अलग मंशूर फारूक अहमद शाहब की तरफ से हमें देखने को मिला लेकिन आपको लग रहा है कि यू में ये सारे दावे कंप्लीट हो सकते हैं इन सारे दावों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस उतर सकती है एक बहुत बड़ा दावा है कि पहले छः माह में एक लाख नौकरियां देनी है जब मैनिफेस्टो बनता है चाहे वो पार्टी लेवल पे बना हो चाहे हमारी कॉन्स्टिट्युंसी लेवल पे बना हो जब मैनिफेस्टो बनता है तो इसकी एक कमेटी बैठती है और वो जो कमेटी होती है ना वो बहुत बड़ी एक्सपर्ट होती है दे आर द एक्सपर्ट पीपल दे जिन्होंने काम किया होता है इसके कंसल्टेंट्स बुलाए गए थे तो आपको लगता है कि ऐसे ही दिया गया होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपर्ट है हैं गवर्नेंस में उनने पहले भी काम किया हमारी पार्टी ने आप देख लीजिए फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस एरा फ्राम सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर आप देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी काम किया है दे हैव डिलीवर देयर वर्क ऑलवेज और मैनिफेस्टो में जो लोग बुलाए गए थे जो हमारे लीडर साहिबान या कंसल्टेंट्स बुलाए दे आर द टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स इन दैट कोई उम्मीद नज़र आ सकते आ रही है हमारे जो प्रेजिडेंट हमारे जो वाइस प्रेजिडेंट है और हमारे जो ऑनरेबल एम एल एज हैं पहले ही बोला है कि रेजोल्यूशन uh, पास कर देंगे ऑन द फर्स्ट डे सेबली एंडली इट इज बीन प्रामिस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट बाई द होम मिनिस्टर दिस थैंक so यू सो मच इकबाल साहब थैंक यू सो मच बात कर रहे थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नॉर्थ के वाइस प्रेसिडेंट यूथ के इकबाल अभी डार साहब या अपने मेजबान अशरफ राही को इजाज़त अल्लाह निगेबान